नसीमा प्रिया जो भारतीय नर्स हैं और वो यमन की एक नर्सिंग होम में काम कर रही थी एज अ नर्स, और उनका पासपोर्ट तलाल मेहदी के जरिए से रख लिया गया था और तलाल मेहदी से बार बार प्रिया के जरिए से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उसके पासपोर्ट को वापस कर दें ताकि वो इंडिया लौट सके, और मेहदी के जरिए से लगातार पासपोर्ट ना दे करके पासपोर्ट देने को लेकर के वो रिफ्यूज करते रहे। ऐसी स्थिति में नर्स जो प्रिया है उन्होंने 2017 में बेहोशी की इंजेक्शन तलाल अल मेहदी को दे दिया। जुलाई 2017 में मेहदी की डेथ हो गई, जिसपे यमन में केस फाइल हुआ। केस फाइल होने के बाद उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल पे प्रिया को आजीवन कारावास के साथ साथ बड़ी कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी, यानी डेथ रो में उसको मेंशन कर दिया। उसके बाद में या तो बलेट रिकवर किया जाए, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है या तो प्रिया को डेथ सेंटेंस दी जाए, या तो मनी से जिसके घर में डेथ हुई है उसको पैसे देकर करके और कंपनसेट किया जाए। अगर कंपनसेशन दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ा जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया की मदर की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदर को परमिशन दे दे कि वो यमन में जाकर के यमन सरकार से बातचीत करके और यमन की सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कंपनसेशन दे करके बेटी को अपने दोबारा वापस इंडिया लाने की अपील की है। और कई बार ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल के जरिए से ये कहा गया कि यमन के ताल्लुकात भारत से अच्छे नहीं हैं और यमन के आसपास तमाम मुल्कों में लड़ाई चल रही है एक दूसरे मुल्कों के साथ। तो ऐसी स्थिति में नर्स प्रिया की मां अगर यमन जाती है तो भारत सरकार किसी भी रूप में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। हालांकि प्रिया नर्स की मदर की तरफ से ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहा है कि उनके जानने वाले और पहचानने वालों में कई ऐसे लोग हैं जो यमन में बिजनेस करते हैं और बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं जो मंडोली करा सकते हैं, वो आपस में बातचीत करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अपीयरेंस करा करके प्रिया को बचा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम इसलिए उन्होंने ये कहा कि परमिशन ग्रांट की जाए। और प्रिया के मदर ने कहा कि हमें अपने रिस्क पे परमिशन यमन जाने की ग्रांट कर दी जाए, हम उसको मैनेज करके ले आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि एक एफिडेविट फाइल करें और उन लोगों का नाम मेंशन करें जो इंडियन बिजनेसमैन है यमन में बिजनेस करते हैं, उनके नाम के साथ ऑनरेबल कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें और उस एफिडेविट पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांग के ऑनरेबल कोर्ट इस पे विचार कर सकती है कि प्रिया के मदर को यमन जाने की परमिशन दी जाए और या परमिशन ना दी जाए। उम्मीद ज्यादा है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट प्रिया के मदर को यमन जाने
और कंपनसेशन देने की परमिशन दे सकती है, ऐसा केस और परिस्थितियों से लग रहा है।